हाँ, पर INH न्यूज ने आज एक बड़ी जानकारी दर्शकों के सामने रखी। ये एक्सक्लूसिव खबर है। इसके मुताबिक राजनीतिक मामलों की समिति की जो बैठक थी, इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नेतृत्व को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि या तो राहुल गांधी राजी हो कमान संभालने के लिए या फिर प्रियंका गांधी सामने आए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसे आगे ना चलाया जाए। एक नेतृत्व होना चाहिए, एक चेहरे की सख्त जरूरत है। और प्रमोद कृष्णम ने जब ये बातें कही, तब राहुल गांधी भी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है चर्चा करने के लिए, उस समिति की इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। यानी राहुल गांधी के सामने प्रमोद कृष्णम ने ये महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर राहुल नहीं चाहेंगे तो प्रियंका को अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए। इसके अलावा शिविर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पार्टी की छवि हिंदू विरोधी ना बने। बैठक में हिंदुत्व के मुद्दे पर ज्यादा मुखर होने पर भी चर्चा की गई। एक परिवार एक टिकट के मुद्दे को लेकर भी संगठन समिति की जो बैठक थी, उसमें अजय माकन ने जब इस मसले को उठाया तो जबरदस्त तरीके से पार्टी के भीतर विरोध भी देखने को मिला। शिविर की बैठक में लगभग आम असहमति इस विषय को लेकर बनती नजर आई। संगठन समिति की बैठक में अजय माकन ने यह मुद्दा उठाया जिसका कई पार्टी नेताओं ने विरोध किया। एक व्यक्ति एक पद को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है, लेकिन एक परिवार एक टिकट के मसले पर कई नेताओं ने विरोध जताया है। अब देखना होगा कि कल कार्य समिति की बैठक में जब ये मसौदे, जिस जो अलग अलग समितियों में चर्चा हो रहे हैं, ये मसौदे जब रखे जाएंगे और उसके आधार पर कोई एक नया संकल्प निकल के सामने आएगा, तब देखना होगा कि पार्टी संगठनात्मक तौर पर या अपने संवैधानिक जो पार्टियों के नियम हैं उसके आधार पर क्या कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है।